Okay, this was the same test which you answered. Now what I'll do is I'll be starting the same test with the timer. जैसे आपने टेस्ट दिया था मैं वैसे ही टेस्ट दूंगा, सो दैट कि मैं भी उसी टाइम फ्रेम में आंसर कर सकूं जिस टाइम फ्रेम में आपने आंसर किया था, अकॉर्डिंग विद लॉजिक एंड ऑल एवरीथिंग हम डिस्कस भी करते जाएंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इज अ प्लानिंग एज वेल एज अ कंट्रोलिंग टेक्निक. तो वी हैव ऑप्शंस लाइक प्रोसीजर, पॉलिसी, मेथड एंड बजट. क्या आंसर होगा? कोई ऐसी चीज है इन चारों चीजों में दैट हैज the characteristics of planning also and characteristics of controlling also. Budget. अब budget में ये क्यों होता है? पहले हम ये समझ लेते हैं budget में ये क्यों होता है, क्योंकि budget में हम forecasting भी करते हैं. So when we are planning for anything, तो budget forecasting जहां पर आ गई वहां पे planning आ गया. And that is the reason why budget में आपको हमेशा ये देखने को मिलता है that उसमें planning का part रहता है, because we are planning for future. Planning हम budget बना रहे हैं तो अगले साल का बना रहे हैं. तो दैट इज वन रीजन. अनदर रीजन इज वो कंट्रोलिंग उसमें क्यों है, क्योंकि आप उसमें इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल भी करते हो. इवैल्यूएशन कंट्रोल कैसे करते हो? प्रीवियस ईयर के बजट को इस ईयर के बजट से कंपेयर करते हो, उसके नेक्स्ट ईयर के बजट से कंपेयर करते हो. सो इन दैट सेंस बजट इज द करेक्ट आंसर. बाकी जो भी चीजें आपको नजर आ रही है वो सब प्रोसीजर बनाते हैं. प्रोसीजर इज मोर लाइक अ प्लानिंग इन्वॉल्व होता है. प्रोसीजर आप बना रहे हो, कुछ सोचकर बना रहे हो, प्लानिंग इन्वॉल्व है. कंट्रोलिंग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. पॉलिसी बना रहे हो, मेथड बना रहे हो, सब में प्लानिंग इन्वॉल्व है. कंट्रोलिंग उसमें आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो. आप हो सकता है ईयर ऑन ईयर उस पॉलिसी को रिव्यू कर लो, ईयर ऑन ईयर उस मेथड को रिव्यू कर लो, वो पॉसिबल है. लेकिन क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बजट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज बजट इज द ओनली थिंग जहां पर की प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों होता है. ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज गिवन बाय बर्न्स एंड स्टॉकर. बर्न्स एंड स्टॉकर में, अब ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई टेक्निक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, मेमोरी है सिंपल कि भाई किसने कौन सा चीज दी है. क्या आंसर किया था आपने? किया था किसी ने करेक्ट आंसर इसका? देखिए बाउंड्रीलेस, बाउंड्रीलेस नहीं हो सकता. बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज गिवन बाय जैक वेल्च. जैक वेल्च की जो बुक आई थी उन्होंने उसमें बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी. जनरल इलेक्ट्रिक में इसको फर्स्ट टाइम शुरू किया गया था. तो बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑप्शन नहीं हो सकता. और कोई ऑप्शन आप बताएं, क्या ऑप्शन लग रहा है? ऑर्गेनिक होगा सर. ऑर्गेनिक होगा, बिल्कुल सही है, ऑर्गेनिक होगा. मैकेनिस्टिक, ऑर्गेनिक, ये जो था ये दैट वाज गिवन बाय बर्न्स एंड स्टॉकर. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसने दिया था ये मुझे खुद नहीं पता, मैं सर्च करके आपको बताऊंगा. बट इन दोनों का जो आंसर है, इसका जो आंसर है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इसको आप नोट कर लो या दिमाग में रखो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हो सकता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना आए, बट कई बार क्या आ जाता है जैसे बर्न्स एंड स्टॉकर का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. तो अब मुझे ये तो पता होना चाहिए ना बर्न्स एंड स्टॉकर हैज कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट होगा कि भाई बर्न्स एंड स्टॉकर ने क्या किया था. तो जब भी आप किसी की कोई क्वेश्चन पढ़ते हो जिसमें किसी के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आया है, किस ब्रॉड एरिया पे आया है, उसको जरूर दिमाग में रखो. जैसे हॉफस्टेड का मॉडल है. अब हॉफस्टेड का मॉडल है तो दैट इज प्योरली ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो जब भी हॉफस्टेड की कंट्रीब्यूशन की बात आएगी कल्चर वर्ड पकड़ना. तो जैसे ही जब स्टॉक्स एंड बर्नर की स्टॉकर एंड बर्न्स की बात आएगी हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पकड़ना. कोई डाउट होगा तो पूछेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री. हाँ जी सर, वन मिनट. हाँ जी, वन क्वेश्चन. या ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री. डिसेंट्रलाइजेशन इज अ सिंपली अ मैटर ऑफ डिवाइडिंग अप द मैनेजरियल वर्क एंड असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज टू वेरियस एग्जीक्यूटिव स्किल्स आर गिवन बाय. किसने दिया भाई? डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट ही किसने दिया? अगेन अ कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी. डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट इसका तो सर न्यूमैन एंड वैरन होगा. हाँ, न्यूमैन एंड वैरन इज करेक्ट आंसर. ड्रकर ने दिया नहीं है. ड्रकर वॉज, ड्रकर ने एमबीओ दिया था. साइमन ने डिसीजन की थ्योरी दी है तो वो भी नहीं होगा. एलन भी नहीं होगा. एलन की लीडरशिप की थ्योरी है तो वो भी नहीं होगा. तो डिसेंट्रलाइजेशन इज गिवन बाय न्यूमैन एंड वैरन. अगेन स्टैटिक क्वेश्चन. देखिए स्टैटिक क्वेश्चन में कोई एज सच बहुत लॉजिक नहीं होता. हमें बस दिमाग में रखना होता है कि भाई ये चीज किसने दिया. साइमन का कौन सा है मेरे को बताइए एक बार. साइमन की थ्योरी है वो डिसीजन थ्योरी है उसकी. रैशनलिटी, बाउंडेड रैशनलिटी की डिसीजन थ्योरी दी थी. ह्यूमन रिलेशन थ्योरी सर. हां जी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी शायद ऐसा कुछ. हाँ, मतलब उसकी बाउंडेड रेशनैलिटी से जुड़ी. उसके ऊपर एक क्वेश्चन इसी टेस्ट में
और है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द डैश रेफर्स टू द असाइनमेंट ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन कैरिंग आउट स्पेसिफिक ड्यूटी. इसके ऊपर तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पूरी अपलोड की थी अपने चैनल पे, यही टॉपिक पढ़ाया था कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि कोई भी पर्सन अपनी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर्सन को दे सकता है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है. मैंने आप उस वीडियो में भी बहुत बार चीख चीख के बताया था दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू सम एक्सटेंट. सब कुछ एक्सटेंड नहीं हो सकता बट कुछ एक्सटेंट तक आप उसको डेलीगेट कर सकते हो. डेलीगेशन का मतलब ही होता है अपने बिहाफ पे किसी को कोई काम देना. नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन वो नहीं होता. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन ही पूरे स्ट्रक्चर को ना इस तरह से पावर उसको मतलब डिपार्टमेंटल्स में क्रिएट कर देती है और उनको पावर दे देती है. दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. बट पावर जो डेलीगेट होता है वो कोई पर्सन नहीं ना कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन कर रही है. क्वेश्चन में पर्सन था. चलिए जी, अब ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ये जो नॉन वर्बल जेस्चर्स वाले क्वेश्चन है अक्सर स्टूडेंट में इसमें कंफ्यूज जाता है, फंस जाता है. क्वेश्चन क्या था, स्टडी ऑफ जेस्चर एंड बॉडी पोस्चर्स ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन सी चीज में आता है. किनेसिक्स में आता है. बिल्कुल, किनेसिक्स में आता है. तो बाकी जो आते हैं वो किस में आते हैं भाई, सिमेंटिक्स में क्या आता है. वो भाषा, लैंग्वेज. हाँ ठीक है, लैंग्वेज आता है, सिमेंटिक्स में. वेरी गुड. और प्रॉक्सिमिक्स में. हाँ, प्रॉक्सिमिक्स में होता है कि आप स्पेस को कैसे यूज कर रहे हो, कि आपके आसपास जो लोग हैं या उनसे कैसे आप स्पेस मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स. तो जो आंसर इसका होगा दैट विल बी काइनेसिक्स. इसके ऊपर ना मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक पर्टिकुलर स्लाइड बना के आपको दे दूं जिसमें कि ये सभी जितने भी है नॉन वर्बल वो क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं वो आपको एक बार में एक जगह पर नजर आ जाएगा. 8-9 होते हैं ये, हैप्टिक्स होता है, ऑक्युलिक्स होता है, काफी सारे 8-9 होते हैं. तो मैं उसका ना एक जगह पर आपको समराइज करके दे दूंगा, ये मुझे बस आप याद करा दें. कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच ऑल द लोअर लेवल सबॉर्डिनेट इंटरैक्ट ओनली विद सुपीरियर. ओनली विद सुपीरियर. गॉसिप हो नहीं सकता, चेन हो नहीं सकता, क्योंकि चेन में क्या होगा कि एक चेन में चलेंगे हम, एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करेगा, वो फिर आगे वाले पर्सन से करेगा, फिर वो आगे वाले पर्सन से करेगा. तो दैट इज वाई, दैट इज हाउ द चेन वर्क्स. तो गॉसिप तो आपको पता ही है कैसे काम करता है, इट्स मोर लाइक अ ग्रेप पॉइंट. कंफ्यूजन होगा सिर्फ क्लस्टर और व्हील में. तो आंसर व्हील है या क्लस्टर. व्हील नेटवर्क. व्हील नेटवर्क कैसे होगा, बिकॉज इसमें क्या होगा, सेंटर में जो है वो आपका बॉस आ जाएगा और जितने भी सुपीरियर होंगे दैट विल बी लाइक व्हील के जो स्पोक्स होते हैं वो उस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो. और दैट इज बाय, जो सेंटर पे आपका बॉस है दैट इज कॉल्ड व्हील नेटवर्क. क्लस्टर भी वैसे कुछ हद तक गॉसिप जैसा ही होता है. क्लस्टर में क्या होता है कि आप कुछ लोगों तक पहले बात पहुंचती है, फिर वो कुछ लोगों से कुछ और लोगों तक बात पहुंच जाती है. तो विद इन ए स्पेसिफिक जोन, जब वो जोन में हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड योर क्लस्टर. कोई डाउट है, ये क्लियर है? हाँ जी, इज इट क्लियर? ओके, सभी लोग कंट्रीब्यूट करें, मैं देख रहा हूं कुछ ही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कुछ भी बताएं, सही गलत दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज टू पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा ट्रिक बेस्ड है. इसमें क्या, इन द वर्ड्स ऑफ डैश एंड डैश मीनिंग नोइंगली मेन डू व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दे डू इट इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, पहले आप आंसर बता दो अगर किसी ने आंसर किया है तो. एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. बहुत सही है, बिल्कुल सही है, एफडब्ल्यू टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट. आपने कैसे पकड़ा था बच्चे इसको, आंसर को आपको पता था? नहीं सर, एक्चुअली मैंने 12th की क्लास की बुक में जब रीड किया था ना तब उसमें ये था. ओके ओके, वैसे मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूँ. ये बेस्ट एंड चीपेस्ट वे को आप हमेशा ध्यान में रखना. जब भी कहीं पर कंट्रीब्यूशन की बात आएगी और कहीं इस चीज की बात आएगी कि सस्ते में बेहतर कैसे किया गया, तो वहां टेलर का कंट्रीब्यूशन जरूर आएगा, क्योंकि टेलर ने अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन में अफोर्डेबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया था. उसने हर चीज को बहुत सस्ते तरीके से करने की कोशिश की थी. सो दैट इज द रीजन वाई यहां पर वीबर आ नहीं सकता. वीबर ब्यूरोक्रेसी में उसका रोल है तो वीबर आ नहीं सकता. हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है उसने, तो वो भी आ नहीं सकता. उसके तो 14 प्रिंसिपल है. कुंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर एक्चुअली बुक है, तो वो उसकी थ्योरीज तो आज सच कुछ है ही नहीं. तो इसी वजह से जो आंसर विल बी टेलर एंड साइंस. कीवर्ड है, हां कीवर्ड है, हां इसका है ना, वीबर का ब्यूरोक्रेसी. जहां वीबर, जहां ब्यूरोक्रेसी दिखाए बस दिखे, बस आंख बंद करके वीबर पे टिक करना. अच्छा सर, मैक्स वीबर के ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी मैक्स वीबर ने,
और जो आपका हेनरी फ्योल है उसका तो 14 प्रिंसिपल है, तो जहां पर भी उसके 14 प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ बात आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात आती है, तो वहां हेनरी फ्योल आ जाएगा। हाँ जी क्या कह रहे हो? नहीं दिया तो था बट द कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने बस बाद में उन्होंने एड ऑन किया था। मैक्स वीबर वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट अप इनटू ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि कोई भी थ्योरी आप देते हो ना तो उसमें फिर लेटर ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाती है बहुत सारी, इसी वजह से आप इस चीज का ध्यान दे करो, या जैसे कहीं आपको मिल जाए कहीं पर जैसे बुक्स में। वैसे मैं जब पढ़ा करता था तो मैं क्या करता था ना कि जैसे अब ब्यूरोक्रेसी पढ़ रहा हूँ या ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जो जो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसको एक ही जगह पे लिख लेता था, तो वो फिर दिमाग में रहता। ओके The employees want, and I haven't came across the word like best and the cheapest way. Now, if you look at the way he has done it, na, so the whole principles are based on the same thing. It has not been mentioned in the theory directly, but if you look at the way he has completed that theory, so you will get this thing into your mind that he has not used any fancy technique or anything. He has just used a very simple method of solving something, and that too on the floor level, workers ke level pe tha. Workers is also one of the keys. So when you are talking about anything contributed at the worker level, floor level, so that's where the W. Taylor comes in. Higher productivity and lower cost. That is what efficiency is all about. When we say about efficiency, we say that we want to do something at lower cost, but still we want higher productivity. Okay, so here is the question number 8, and that is called statement 1. Management is not just a creature of economy, it is the creator as well. Pehle aap is tarah ke question ko solve karte samay na, rather than looking at the option, first look at the first statement. Aapko wo statement true lag raha hai ya nahi lag raha? Pehle aap ye dekho, is the first statement is true? Management is not just a creature of economy, it is creator as well. इकोनॉमी से ही सिर्फ मैनेजमेंट नहीं बना है, मैनेजमेंट से भी इकोनॉमी बनी है। दैट इज व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो कि वो करेक्ट है, ठीक है। अब आप देखो कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, खत्म हो गया। अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, अभी वो वाला ऑप्शन है। अब सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं, थर्ड 1A और C ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है, B और D में देखना है। ही हु कैन मैनेज एनीथिंग, जो मैनेज कर सकता है वो कुछ भी मैनेज कर सकता है। ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सर जिन्होंने कहा नो वो बताएं उनको नो क्यों लग रहा है। सर बड़ा सिंपल सी बात है ना कि जिसके पास आप हम इसको ऐसे देखते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स से आता है। तो जो पर्सन के पास अगर रिक्वायर्ड स्किल सेट है उस काम को करने के लिए, मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए, तो उस वो पर्सन किसी भी चीज को लार्जली बेसिस पे, मैं ये नहीं कह रहा, पिन पॉइंट नहीं कर रहा कि वो ये नहीं कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा, पर आप लार्जली अगर देखोगे इस चीज को तो आप रियलाइज करोगे कि जो पर्सन में अच्छी कैपेबिलिटीज हैं वो किसी हर जगह अच्छा कर लेता है। अगर कोई अच्छा कैप्टन है तो आप उसको चाहे T20 का कैप्टन बनाओ, चाहे आप उसको वनडे का बनाओ, टेस्ट का बनाओ, अगर उसकी स्किल्स अच्छे हैं तो वो वहां भी अच्छा ही मैनेज करता हुआ दिखेगा आपको। तो वो वाले पॉइंट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, नॉट पर्टिकुलर स्पेसिफिक और समथिंग, बट ऑन लार्ज स्केल की बात हो रही है, एंड दैट इज व्हाई बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला वाला क्यों करेक्ट है ये समझ में नहीं आया। क्योंकि मैनेजमेंट से इकोनॉमी बनी है, बट इकोनॉमी से मैनेजमेंट बना है वो तो क्लियर बात है, लेकिन क्या मैनेजमेंट इकोनॉमी को नहीं बना रहा? क्या आप देखो नीति आयोग आपने बनाया है, तो क्या नीति आयोग की पॉलिसी से आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही? क्या आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से आपकी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से आपकी आपका आपकी जो देश की इकोनॉमी है वो नहीं बढ़ रही? बढ़ रही ना, इसीलिए दैट इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे? मोटिवेशन और कॉम्प्लेक्सिटी का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के साथ, सिर्फ कंफ्यूजन है तो ए और सी के बीच। फॉर्मलाइजेशन, बिल्कुल सही है। फॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है कि टू सेट अप फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब हम कहते हैं कि फॉर्मल बनाना है जी किसी चीज को, ठीक है, अगर ये सेंट्रलाइजेशन का आंसर होता तो वहां पे पावर की बात होती, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर अबाउट पावर, कि पावर को आप सेंट्रलाइज कर रहे हो या डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम पावर की सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, सो दैट इज वेयर दिस
दिस कम्स इनटू पिक्चर, अदरवाइज द आंसर इज फॉर्मूला. जहां पर मैंने फर्स्ट टाइम जॉब की थी वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, वो प्योरली फॉर्मुलाइजेशन. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है. ओरिएंटेशन एंड अप्रेजल इज पार्ट ऑफ स्टाफिंग, करेक्ट है या नहीं है. स्टाफिंग के फंक्शन में ओरिएंटेशन भी आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आता है. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, तो वो आंसर नहीं होगा. कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, हम फॉरवर्ड भी देखते हैं बैकवर्ड भी देखते हैं, करेक्ट. कंट्रोलिंग सही है. डायरेक्टिव, डायरेक्टिंग इज ऑल परवेसिव, डायरेक्टिंग पूरी तरह से परवेसिव होता है. ट्रू. तो बचा क्या, बचा तो बस लास्ट ही है भाई, स्टाफिंग डज नॉट रिक्वायर, रिक्रूटमेंट इज पार्ट ऑफ स्टाफिंग. बहुत सिंपल था. द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट्स ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, अगर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो रही है तो आप उसको वर्टिकल कहोगे, हॉरिजॉन्टल कहोगे, नन ऑफ द अबव का कोई मतलब नहीं है, या डायगोनल कहोगे. दो डिफरेंट डिपार्टमेंट में हो रही है बच्चे. वर्टिकल, तो वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, या तो वो लंबे में होगा या वो वाइड में होगा. यहां पर हम क्रिस क्रॉस की बात कर रहे हैं. क्रिस क्रॉस कैसा हो सकता है, डायगोनल ही होगा ना. जब मैं कह रहा हूं कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट कम्युनिकेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट पर्सन who directly doesn't comes under me, either not on the vertical side neither on the horizontal side, so the only option we are left with is diagonal communication. ye bhi question aisa hota hai jo matlab kafi challenging hota hai and exams mein kafi aksar hamare marks kharab kara deta hai. dhyan se samjhenge. intuition is irrational but it is not necessarily wrong. aap isse agree karte hain, ye correct lag raha hai aapko ya nahi lag raha, pehle ye soche. इंट्यूशन जो होता है वो रैशनैलिटी से उसका कोई लिंक नहीं होता. बिल्कुल सही बात है भाई, वो इरेशनल होता है, बट जरूरी नहीं है कि वो गलत हो. कई बार इंट्यूशन सही भी हो सकता है. राइट. तो फर्स्ट वाला ए जो है वो मुझे करेक्ट लगा. ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो जहां पर भी ए इस फॉल्स वाला ऑप्शन है वो तो कहानी खत्म हो जाती है. अब तीन ऑप्शन रह गए, उसमें देखेंगे. इंट्यूशन इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स, प्रीवियस नॉलेज एंड स्किल्स. सही तो लग रहा है, लेकिन आप ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक सिखाता हूं. ऊपर वाले स्टेटमेंट में किस चीज के बारे में बात हो रही है, इंट्यूशन के बारे में बात हो रही है, और जो रीजनिंग आपको दी गई है उसमें इंट्यूशन के ऊपर की, मतलब इंट्यूशन अगर रॉन्ग नहीं होता तो क्यों नहीं होता. हमने ऊपर वाले में क्या कहा कि इंट्यूशन रॉन्ग नहीं होता, वो नेसेसरीली रॉन्ग नहीं होता, वो सही भी हो सकता है. तो वो क्यों नहीं रॉन्ग होता, बिकॉज ऑफ इट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज एंड स्किल्स. उसने एक्सप्लेनेशन दे दी ना उस चीज की. पहले वाले स्टेटमेंट की आपको एक्सप्लेनेशन सेकंड स्टेटमेंट में मिल रही है ना. तो जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इंट्यूशन वाले में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि आर ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. समझ में आया ना, लॉजिक समझ में आया कैसे मैंने निकाला इसको. आप बस ये देखो कि पहला वाला ट्रू है या नहीं है. अगर वो ट्रू है तो उसके बाद आप सोचो कि उसकी एक्सप्लेनेशन अगले लाइन में आपको मिल रही है या नहीं मिल रही. बस इतना सी चीज आपको ध्यान रखना है. हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज पर पीएफ ड्रगर. जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम बना रहे होते हैं तो इनमें से कौन सी चीज हम नहीं कर रहे होते, एज एन एक्टिविटी हम नहीं करते एज पर पीएफ ड्रगर. किसी ने आंसर किया, सिचुएशनल एनालिसिस नहीं करते. बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूं. पीएफ ड्रकर की कॉन्ट्रीब्यूशंस स्ट्रक्चर के ऊपर काफी रही है. ही हैज बीन इनटू कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू गोल मेकिंग इनटू स्ट्रक्चर इनटू मॉडर्न मैनेजमेंट. तो वहां पे और वो डाटा बेस पे काफी सारा उसका काम रहा है. तो डाटा बेस में जब आप काम करते हो, डाटा के ऊपर डिसीजन लेते हो, तो डिसीजनल एनालिसिस बीच में आ जाता है, रिलेशनल एनालिसिस बीच में आ जाता है. आप दो चीजों के डाटा को लेकर कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो भी बीच में आ जाता है. एक्टिविटीज को भी आप कहीं ना कहीं लिंक करते हो, वो भी बीच में आ जाता है. द ओनली थिंग विच यू डोंट डू इट इज सिचुएशनल एनालिसिस, जो पीएफ ड्रकर ने कहा था कि वो मैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नहीं आता उसके अकॉर्डिंग. ये क्वेश्चन है जी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, एंड दिस इज फ्रॉम, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने जो भी वीडियोस बनाई है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स पे बनाई है. ये पीटर ड्रकर के कॉन्ट्रीब्यूशन में से एक है, एंड दैट टू वेरी नैरो कॉन्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर उसने 100 बातें कही है तो ये 98 होंगी, 99 होंगी. तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा टफ रैंक करता हूँ. अगर हो सकता है कि इवन अगर मैंने भी पहली बार में रीड किया होता तो शायद मैं भी आंसर नहीं दे पाता.
ओके क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भाई, पहले तो ये देख लो। अंडर एमबीओ टेक्निक द मैनेजर शुड प्रोवाइड विद अ फ्री हैंड टू ले डाउन ऑब्जेक्टिव। हाँ भाई, क्या एमबीओ के टेक्निक में मैनेजर को फ्री हैंड दिया जाता है? नहीं, ये सही नहीं है। मैनेजमेंट को तो फ्री हैंड दिया ही नहीं जाता, क्योंकि मैनेजर और जो लोग होते हैं, मैनेजर और आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो मिलकर एमबीओ के गोल्स बनाते हैं। तो स्टेटमेंट 3 का तो क्वेश्चन ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट 2 और 1 पे। अब स्टेटमेंट 2 को पढ़े, प्रोग्राम इंडिकेट प्रिंसिपल ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट टू अकम्प्लिश अ वर्क। क्या ये सही है स्टेटमेंट 2? हाँ सही है। ओके स्टेटमेंट 2 करेक्ट लग रहा है। चलिए स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग पर्सन शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द बजट। ऑपरेटिंग जो लोग होते हैं, जो ऑपरेशनल जॉब करते हैं, क्या वो बजट के साथ जुड़े हो सकते हैं? आप ये सोचें पहले। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकते। तो फिर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी सर। प्रोग्राम आप देखो, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आपको याद है लैब में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, लैब का मैनुअल मिलता था ना, या कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें क्या लिखा होता है? उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है, स्टेप 1 पे क्या करना है, स्टेप 2 पे क्या करना है, और अगर हम 5 स्टेप पूरे कर देते हैं तो हमारा टास्क पूरा हो जाता है। याद आया? यस, दैट इज व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट।